जैसे अभी अगर मैंने इको में भी लिया है। What's happening guys? Welcome back to the vlog. और आज का vlog थोड़ा special करेंगे because this is going to be my 1 year ownership review of the MG Gloster. तो ये review मैं क्यों कर रहा हूँ? Because मुझे पता है कि बहुत सारे लोग interested हैं ऐसी गाड़ी में, बहुत questions आते हैं। मेरे previous मैंने जो vlogs करे थे MG Gloster के ऊपर, तो मैंने सोचा कि एक साल का जो review है is a pretty good review for anyone who is looking for this car. अगर आप सोच रहे हैं इस वाली गाड़ी को लेने के लिए, then मुझे पता है बहुत लोगों के दिमाग में बहुत questions होते हैं regarding all aspects of the car. तो मेरी कोशिश इस वाले vlog में ये है कि अगर आप potential buyer हैं या आप जानना चाहते हैं कि एक साल owner you know क्या सोचता है इस वाली गाड़ी के बारे में, तो वो सारे questions के answers मैं आज करूँगा एंड होपफुली आपको पास एक educated idea होगा कि कैसी है ये गाड़ी। एंड हैविंग सेड दैट, मैं कोई प्रोफेशनल गाड़ी रिव्यूअर नहीं हूँ, बट माय गोल इज ऑलवेज टू ब्रिंग वैल्यू इन द व्लॉग। सो विद दैट वी आर गोना स्टार्ट विद व्हाई वी चोज दिस कार। तो गाइस, द रीजन व्हाई वी चोज दिस कार, नाउ मेरी फैमिली में 6 जन है और मुझे चाहिए था कि कोई ऐसी गाड़ी हो जिसमें सब लोग आराम से फिट हो जाएं। आप लोगों ने मेरे ब्रदर और सिस्टर इन लॉ के यूट्यूब चैनल पे देखा होगा मीट द माथुर्स की, वो भी यूज़ करते हैं। मेरे चैनल पे आपने देखा होगा कि ओवर द इयर्स हम कितना यूज़ करते हैं। तो माय गोल वाज कि भैया ये वाली जो गाड़ी है वो एक ऐसी गाड़ी होनी चाहिए जो पूरी फैमिली यूज़ कर सके, और अगर हमको कभी किसी शादी पे जाना है, डिनर पे जाना है, किसी भी ओकेजन पे जाना है, पूरी फैमिली को जाना है, तो इकट्ठा सब लोग आराम से और कंफर्ट में जा सकते हैं। तो मेन प्रायोरिटी फॉर अस वाज स्पेस, एंड वो एक ऐसी चीज़ थी जो मतलब आई मीन वी वर सोल्ड, मतलब एज सून एज वी सैट इन इट, मतलब स्पेशली थर्ड रो पे हमने यही सोचा था कि चलो ठीक है, यू नो हूएवर्स शॉर्टेस्ट इन द फैमिली दे कैन गो इन दैट। सो कई बारी मेरी मम्मी भी गई है, कई बारी वामिका भी गई है, और रोहिणी हु इज़ अ लिटिल टॉलर देन मी ऑल्सो, तो वो भी पीछे बैठ चुकी है एंड दे विल ऑल्सो से द सेम थिंग, इट इज़ वेरी वेरी कम्फर्टेबल। तो गाइस, आई हैव कम इनटू द बैक सीट एंड ये अभी ड्राइवर पोजिशन जो है वो मेरे हाइट के हिसाब से है, आई एम 5'8". तो और ये यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे मैं वो ट्राईपॉड लगा रखा था, सो दिस इज़ कम्प्लीटली स्ट्रेच्ड पीछे, बट यू कैन स्टिल सी कि कितनी ज़्यादा जगह है इवन विद दिस मच यू नो यूटिलाइजेशन ऑफ द फ्रंट रो। तो काफ़ी स्पेस है गाइस, आई मीन आई जनरली फील वेरी वेरी कम्फर्टेबल, यू कैन रिक्लाइन विद दिस इज़ वेल, मतलब कि अब चाहो तो पूरी तरह ऐसे लेट करके जा सकते हो एंड यू कैन हैव योर ड्राइवर ड्राइव यू, एंड आई फील दैट इज़ वेरी नेसेसरी। अगर आप यू नो किसी कंपनी के सीईओ हो, या फिर आपकी अगर बहुत लंबी ड्राइव्स होती हैं, या फिर सिटी में भी अगर आपकी ड्राइव्स होती है एंड अगर आपको नींद नहीं आती है, या फिर यू वांट टू जस्ट कैच ऑन दैट पावर नैप, दिस ये सीट जो है, ओह माय गॉड, इट इज सो कंफर्टेबल। एंड नॉर्मली गाइस ऐसे ही जाते हैं हम सब, बीच वाला पैसेज जो है वो काफ़ी कंफर्टेबल है, एंड नाउ आई एम इन द लास्ट रो एंड दिस इज ऑल्सो अ वेरी कंफर्टेबल एरिया। अभी मैं बीच में बैठा हूँ, ऑफकोर्स आई वोंट से दैट दिस इज द मोस्ट कंफर्टेबल सीट आउट ऑफ देम, बट अगर मैं थोड़ा सा इधर को हो जाऊँ तो इट इज़ वेरी वेरी कंफर्टेबल। इन फैक्ट बेस्ट पार्ट ये है कि आप ये जो हेड रेस्ट है इसको भी ऊपर कर सकते हो, तो इससे आपके हेड को सपोर्ट काफ़ी अच्छा मिलता है, सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। ये वाली जो सीट है इस पर मैं अभी आगे बैठा था, सो दिस इज़ एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू माई हाइट, सो यू कैन सी कि यू हैव इनफ रूम एटलीस्ट फॉर समवन माई साइज़। तो अगर आपके बच्चे हैं या फिर वो मतलब अगर कोई आप हाइट में छोटे हो, तो ये थर्ड रो भी है, काफ़ी अच्छी है, सो दिस इज़ क्वाइट डिसेंट। यहाँ पे यू हैव अ लिटिल कप होल्डर ऑल्सो, एंड आई फील ये पूरी विंडो होने से ना आई फील कि जनरली थोड़ा सा एरी और हो जाता है कैबिन, तो इतना क्लॉस्ट्रोफोबिक नहीं फील करते। एंड ऑल्सो देर इज़ एन ए सी वेंट ओवर हियर, दिस इज़ स्पेसिफिकली फॉर द लास्ट रो, आई थिंक दैट ऑल्सो हेल्प्स इन मेकिंग श्योर कि आप ज़्यादा क्लॉस्ट्रोफोबिक नहीं फील करते। यू गॉट योर लाइट्स ओवर हियर इज़ वेल, तो यू नो अगेन वेरी वेरी नाइसली डिज़ाइंड आउट स्पेस। बट हैविंग सेड दैट, अगर आप लास्ट रो भी अगर आपकी ऊपर है, तो द ओनली प्लेस जहाँ आप कॉम्प्रोमाइज करते हो थोड़ा, वो है लगेज स्पेस। तो गाइस, दिस इज़ व्हाट
the tailgate open looks like of the Gloucester. And काफ़ी सही है मेरे हाइट पे, मतलब मैं आराम से घुस सकता हूँ. ऑब्वियसली मुझसे कोई भी अगर लंबा होगा तो थोड़ा सा झुक करके आपको घुसना पड़ेगा. बट हैविंग सेड दैट, अगर ये आपकी थर्ड रो सीट अगर ऊपर है तो यू नॉट लेफ्ट विद टू मच स्पेस. हालांकि इसमें एक छोटे सूटकेस या फिर अगर कोई डफल बैग्स हैं आपके तो वो सारी चीज़ें आ सकती हैं. बट यस, ये एक चीज़ है जहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ कर जाना पड़ेगा. एंड बट द मैजिक हैपेंस जब आप, एंड आई कैन डू दिस विद माई वन हैंड ओनली, जब आप ये थर्ड रो को नीचे रखते हैं, दैट्स व्हेन यू अंडरस्टैंड हाउ मैसिव द बूट रियली इज. एंड गाइस ट्रस्ट मी, हम लोग लंबे लंबे ट्रिप्स के लिए गए हैं और लाइक फोर ऑफ अस एटलीस्ट, एंड काफ़ी सारे बैग्स आ सकते हैं. एज यू कैन ऑब्वियसली सी, काफ़ी सही बूट कैपेसिटी है इस वाली गाड़ी की. सो इफ़ दैट इज़ वन ऑफ द मेजर थिंग्स, अगर आप छः लोग नहीं जा रहे, अगर चार लोग भी जा रहे हैं तो चार लोगों के आराम से बड़े बड़े लगेजेस आराम से आ सकते हैं इस वाली गाड़ी में. एंड इट हैज़ गॉट पावर टेल गेट क्लोज. Guys, the variant that we chose was the one below the topmost. I think it's called the Sharp variant. I'm not sure. But usme do ye captain bucket seats aati hain, and usme bas wo ADAS system nahi hai, jo matlab radar system hai. Agar aap cruise control pe hote ho aur gaadi aapke samne aati hai to automatically slow down kar jata hai aur hat jati hai, to you go back to your normal cruising speed. To hamari itni highway pe driving nahi thi, to humko nahi laga ki wo topmost model jo ki us samay almost 40 or 41 lakhs ka tha, to उस तरीके से हमने थोड़ी सी बचत करी. आई मी टुक द वन बिलो, बट दिस इज स्टिल द सेम ट्विन टर्बो 2 लीटर इंजन. एंड हैविंग सेड दैट, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द ड्राइव. लेट्स स्टार्ट इट ऑफ. एंड ओडोमीटर में आपको दिख जाएंगे कि हमने 15,000 किलोमीटर कर चुके हैं एक साल के पीरियड में, विच इज आई डोंट नो, मुझे पता नहीं, मुझे लगता है कि काफ़ी डिसेंट है. कई लोग यू नो दो तीन तीन सालों में 10,000 किलोमीटर भी नहीं करते हैं, बट दैट्स जस्ट शोज कि हम लोगों ने कितना ज़्यादा यूज़ कर रखा है इस वाली गाड़ी को. एंड गाइस, अगर यू नो वी लुक एट द परफॉर्मेंस पार्ट ऑफ इट, इट्स नॉट अ परफॉर्मेंस मशीन. यू नो ये वाली SUV, इतनी बड़ी 2 टन की SUV जो है, यू नो इट्स नॉट मेंट फॉर परफॉर्मेंस काइंड ऑफ अ थिंग. एंड मुझे कुछ चीज़ें जो पसंद नहीं आती इसकी, वो है ये डीजल के जो इंजन का जो नॉइज़ है ना, ये करता हुआ, तो वो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि जैसे कि बहुत लोड ले रहा है, बट ऐसा है नहीं. बस मेरे को ये इंजन का जो नॉइज़ है ना, ये बिल्कुल पसंद नहीं है. सो मेरे को काफ़ी लोगों ने ये पूछा था कि काफ़ी स्लगिश सी है, हमने ट्राई करी थी, ऐसा लगता है कि बहुत टाइम लेती है पिकअप करने में. एंड दैट्स करेक्ट, थोड़ा सा टाइम लेती है अगर आप गाड़ी के ऑटो मोड पे हो. तो गाइज, इसमें सारे जो मोड्स जो दे रखे हैं, यू गॉट स्पोर्ट, यू गॉट स्नो, सैंड, मड, एंड यू गॉट ईको, एंड यू गॉट रॉक एज वेल. तो मतलब कि आपको ऑप्शंस दे रखे हैं बिकॉज इट इज़ अ केपेबल 4x4. एंड उसके साथ साथ एक चीज़, अगर आप यू नो चाहते हो कि थोड़ा सा स्प्रिंट करें गाड़ी को, या फिर अगर आप यू नो तेज़ भगाना चाहते हो, बाय ऑल मींस यू कैन पुट इट इन स्पोर्ट्स मोड, एंड पूरा गाड़ी का जो डायनामिक है वो चेंज कर जाता है, और साथ साथ में फ्यूल एफिशिएंसी एज वेल. तो ऑटो मोड में जैसे अगर मैं नॉर्मली चलाता हूँ गाड़ी को, तो एवरेज मेरे को अबाउट 10 देती है विद इन द सिटी, विच इज इन ऑटो सिटी में, ट्रैफिक में एंड ऑल दैट, विच आई फील इज डिसेंट. बट जैसी मैं इसको स्पोर्ट्स मोड में डाल दूंगा, वैसे ही लेट्स जस्ट गो इनटू स्पोर्ट्स मोड. एक्चुअली मतलब कैमरा ही पूरा हिल गया, बट द पॉइंट इज कि इट डज हैव गुड पिकअप आफ्टर दैट, मतलब डिसेंट पिकअप यू नो. एंड मज़ा आता है अगर आप स्पोर्ट्स मोड में चलाते हो. ऑब्वियसली अगर आपको फ्यूल एफिशिएंसी से कुछ लेना देना नहीं है, तो डेफिनेटली इट हैज़ गुड अमाउंट ऑफ दैट. मेरा भी कैमरा जो है ट्राईपॉड पे है, पर अगर मैं किक बैक करता हूँ तो ये भी थोड़ा पीछे को हिले जा रहा है, बट इट्स क्वाइट गुड इन स्पोर्ट्स मोड. एंड अगर आप फ्यूल एफिशिएंसी चाहते हैं, देन डेफिनेटली यू कैन किक इट इनटू इको मोड.
एंड दैट इको मोड इज रियली नाइस गाइज. मतलब कि अगर आप यू नो रियली मतलब हर एक डीजल लीटर का अगर आप किलोमीटर निकालना चाहते हो तो आप इको मोड में गाड़ी को चलाओ एंड काफ़ी डिसेंट देती है. मतलब मेरे को 12 भी मिल चुकी है एक बार इको मोड पे. रिगार्डिंग परफॉर्मेंस, फ्यूल एफिशिएंसी, इन सब चीज़ों में आई वुड से इट्स अ वेरी गुड एसयूवी टू हैव. और मतलब अगर आप इसका साइज़ देख रहे हैं 2 टन से ऊपर की एसयूवी है उसमें इतनी परफॉर्मेंस दे रही है विच इज़ वेरी डिसेंट. इट्स नॉट अ परफॉर्मेंस एसयूवी, इसने कभी क्लेम भी नहीं कर रखा है. सो है विद दैट येस इट्स वेरी गुड. स्लगिश है इसका पिकअप, येस इट इज स्लगिश अ लिटिल बिट, बट आई फील कि आप थोड़े टाइम चलाने के बाद ना जिस तरीके से आप इसका एक्सेलरेटर दबाओगे आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा कि कैसे उसको डाउन शिफ्ट करना होता है गियर में पिकअप करने के लिए. जैसे अभी अगर मैंने इको में भी लिया है, इको में ही हिल गया यार स्पोर्ट पे भी नहीं था मैं. बट हैविंग सेड दैट इट्स क्वाइट डिसेंट. अगर आपको एक बार आइडिया आ जाता है कि कैसे एक्सेलरेटर्स का यूज़ करना है तो आपको इतना स्लगिश नहीं लगेगा. इफ आई हैव टू टॉक अबाउट वन थिंग जो कि मेरे को बहुत ही मतलब बेकार लगा है इस गाड़ी के बारे में, एंड दैट इज़ द इंफोटेनमेंट सिस्टम. इट्स वेरी बिग, इसका डिस्प्ले अच्छा है. येस एप्पल यू नो कारप्ले में मैं यूजली यूज़ करता हूँ. इट्स वेरी नाइस फॉर दैट, यू नो लुक्स वेरी गुड एंड एवरीथिंग. बट एक साल से ये और ये बार बार मतलब हमारी 3-4 सर्विसेज हो चुकी है, बट एक साल से MG वाले लोग भी ना इसका इंफोटेनमेंट का जो एक प्रॉब्लम है और वो ये है कि थोड़े टाइम बाद मैं अपना जैसे फ़ोन कनेक्ट करके रखता हूँ एंड एप्पल म्यूज़िक या स्पॉटिफाई से अगर मैं गाने सुनता हूँ तो थोड़े टाइम बाद मतलब 2-3 गाने के बाद एक वो स्टैटिक सी आवाज़ आने लग जाती है एंड दैट इज़ हॉरिबल. मतलब कि आपको वापस यू नो तार निकाल करके वापस लगानी पड़ती है. MG वाले लोगों ने खुद बोला था कि उन्होंने सॉफ्टवेयर रिफ्रेश कर रखा है, उन्होंने फ्लैश भी कर रखा है, कुछ कर रखा है और उन्होंने खुद ट्राई करा तो नहीं आती आवाज़. बट हम मतलब कि इट्स नॉट जस्ट माई फ़ोन, एवरी वन एंड हमारे घर पे सब लोगों के पास या तो आईफोन है या फिर एंड्रॉयड है, कोई सा भी फ़ोन लगा दो थोड़ी देर बाद ये वाली दिक्कत आती ही आती है. सो आई वॉज़ नॉट वेरी हैप्पी विद दैट क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप जर्नी पे जा रहे हो, अगर आपके यू नो म्यूज़िक चल रहा है तो बीच बीच में अगर किर 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 करके अगर आवाज़ें आने लग जाएँ तो यू नो इट फील्स वेरी बैड. हाँ एक बार निकाल करके वापस लगाओगे तो येस इट सॉल्व द प्रॉब्लम, बट फिर मतलब 4-5-6 सॉन्ग्स के बाद फिर से आ सकती है और कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं आती. तो यू नो इट्स अ वेरी वियर्ड थिंग दैट आई डोंट अंडरस्टैंड कि ऐसा है क्यों ऐसी गाड़ी में, बट इट इज़ व्हाट इट इज़. और एक साल में MG ऑल्सो हैज़ नॉट बीन एबल टू कम टू अ प्रॉपर कंक्लूजन कि कैसे करना चाहिए इसका. अदर देन दैट एक दो बारी ऐसा भी होता है कि जो इन्फोटेनमेंट सिस्टम है वो पूरा मतलब यू नो बंद ही हो जाता है कभी कभी. मतलब म्यूज़िक चल रहा होगा बट स्क्रीन बंद हो जाएगी. तो ऐसी प्रॉब्लम मतलब 2-3 बार हुई. आई वोंट से कि बहुत रिकरिंग प्रॉब्लम है, बट वो ऑब्वियसली उसका पावर बटन है, उसको दबा करके स्विच ऑफ कर दो फिर स्विच ऑन कर दो तो सब कुछ ठीक हो जाता है ऑब्वियसली. बट अगर आप इतना पैसा दे रहे हो यू नो तो ये छोटी सी प्रॉब्लम है, ये तो नॉर्मली सॉर्ट आउट कर लेनी चाहिए थी. यू नो आई फील म्यूज़िक इज़ अ बिग थिंग. साउंड क्वालिटी इज़ वेरी गुड इन द कार. म्यूज़िक आप तेज़ भी चलाओगे तो इट्स वेरी गुड एट लाउड वॉल्यूम्स ऑल्सो. सो आई वोंट से दैट्स अ बिग प्रॉब्लम. नाउ द अदर थिंग दैट आई एब्सोल्युटली डोंट लाइक अबाउट दिस इज़ द रेयर कैमरा. मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं यू नो जब पहली बार कभी गाड़ियों में इंट्रोड्यूस होता था ना रेयर कैमरा तो ये तब का रेयर कैमरा क्वालिटी है. हाँ इसमें यू नो 3D व्यू सब कुछ है, यू नो आपको वो दिखा रहा है, बट वो भी मतलब इतना बढ़िया नहीं है कि मतलब कि यू आर लाइक वाउड बाय द ग्राफिक्स. एंड इससे काफ़ी सस्ती गाड़ियों में मैंने देख रखा है उन पे ग्राफिक्स काफ़ी बढ़िया है. इनफैक्ट MG की जो इलेक्ट्रिक गाड़ी है विच इज़ हाफ द प्राइस ऑफ दिस कार, उसका भी मैंने ट्राई करके देखा था. रेयर व्यू कैमरा, इंफोटेनमेंट सिस्टम भी एब्सोल्युटली फाइन, देयर नथिंग रॉन्ग विद दैट. बट इस गाड़ी में पता नहीं क्यों ये दे रखा है. हालांकि इसमें चीज़ें सब कुछ दे रखी है, फ्रंट में कैमरा है, रेयर में कैमरा है, तो पार्किंग वार्किंग में कोई दिक्कत नहीं है. आई जस्ट विश कि कैमरा की जो क्वालिटी है
वो ज़रा सी बढ़िया हो जाती तो यू नो मामा मिया मज़ा आ जाता। चलाने में इट्स वेरी कंफर्टेबल, सीट्स आर वेरी कंफर्टेबल। आगे के जो ड्राइवर साइड है वहाँ पे मसाज सीट्स भी दे रखी हैं, जो कि मैंने एक दो बार ट्राई कर रखी हैं, दैट क्वाइट गुड, फील्स वेरी नाइस एज वेल। एंड आगे दोनों इलेक्ट्रिक सीट्स हैं, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल सीट्स हैं। सो अगेन क्रीचर कंफर्ट वाइज, ड्राइविंग पोजिशन वाइज, एवरीथिंग इज़ वेरी नाइस। मुझे ये बॉनेट का ऊपर एक हल्का सा एक जो डेंट सा होता है इन्होंने जो दे रखे हैं उससे काफ़ी एग्रेसिव सी लुक आती है, इवन लुकिंग फ्रॉम दिस एंगल ऑल्सो। सो इट्स वेरी गुड, लाइक द कैबिन लुक्स वेरी गुड। और ये कुछ एक ऐसी चीज़ थी जो ऑल्सो यू नो आई रियली लाइक बिकॉज द कैबिन लुक्स वेरी प्रीमियम यू नो। तो हालांकि मुझे पता है कई लोग बोलेंगे कि ये कुछ चीज़ें ऑडी से ले रखी हैं, ये कुछ चीज़ें BMW से मार रखी हैं एंड एवरीथिंग, बट जो भी है उन्होंने ढंग से कर रखा है, सो दैट्स व्हाई इट फील्स वेरी वेरी नाइस। मुझे एस्थेटिक लगना और अपने सराउंडिंग में चीज़ें एस्थेटिक रखना का बहुत शौक है, तो डेफिनेटली अगर मैं किसी गाड़ी में बैठा हूँ आई डेफिनेटली वॉन्ट द इंटीरियर्स ऑफ दैट कार टू ऑल्सो लुक एस्थेटिक। तो Having that being said, मेरे को जो इसका जो कलर था ये इट्स लाइक अ बर्नट ऑरेंज या फॉक्स ऑरेंज, ये मैंने पहली बार देखा था एक BMW E92 M3 में आता था, उसमें था ये फॉक्स ऑरेंज कलर। मेरे को इतना प्यारा लगता है ये वाला कलर एंड आई फील इट जस्ट गिव्स अ वेरी प्रीमियम नाइस रॉयल लुक यू नो। और स्पेशली ये जो स्टिचिंग आप देख रहे हैं, जैसे ये वाली यहाँ पीछे बकेट सीट पर आप देख रहे हैं, मुझे पता नहीं स्टिचिंग का नाम क्या होता है, बट आई जस्ट लाइक द हाउ इट लुक्स। तो अंदर का जो पूरा कैबिन था दैट लुक्ड वेरी नाइस। इट हैज़ दीज मैसिव सनरूफ्स ओवर हियर जो बहुत ज़्यादा लाइट देती है अंदर कैबिन में। आप ऑब्वियसली देख रहे हैं, ऑब्वियसली मैं गाड़ी में लाइट वाइट लगा के तो चल नहीं रहा हूँ। सो इट्स गॉट अ लॉट ऑफ गुड लाइटिंग इनसाइड, द इंटीरियर फील्स वेरी गुड। जो येस सम ऑफ द यू नो पार्ट्स दैट यू नो देव यूज, थोड़ा सा ज़रा प्लास्टिकी सा लगता है, बट वो मतलब एक दो ऐसे पार्ट हैं, ज़्यादा नहीं। अदरवाइज पूरे मतलब डोर पैनल पे भी पूरी तरीके से जो ट्रीटमेंट दे रखी है, इट फील्स वेरी वेरी प्रीमियम। सो दैट वॉज ऑल्सो वन ऑफ दोज डिसाइडिंग फैक्टर्स कि भाई ये वाली गाड़ी लेनी चाहिए, क्योंकि आप अगर बहुत टाइम स्पेंड कर रहे हो गाड़ी में तो मेरे को बिल्कुल ब्लैक इंटीरियर्स, बिल्कुल ब्लैक यू नो थोड़ा सा ज़रा दबा हुआ सा लगता है। द कलर ऑफ कलर स्कीम ऑफ दिस थिंग वॉज वेरी गुड। मुझे तो जेन्युइनली दे हैव ट्रीटेड मी वेरी वेरी नाइसली। दे आर वेरी प्रॉम्प्ट, जब भी टाइम आता है सर्विसिंग का तो उनके तरफ से ही कॉल आ जाता है कि सर आपकी गाड़ी जो है वो सर्विसिंग के लिए ड्यू है। एंड उनके ऑटोमेटिकली पीरियड्स होते हैं, आई थिंक 5,000 पे एक होता है, फिर आई थिंक 10,000 या 15,000 पे एक और होता है, एंड देन अनदर वन लेटर ऑन इज वेल। सो आई माइट बी रॉन्ग, मेरे को एग्जैक्ट फिगर्स नहीं पता, बट मुझे ये पता है कि कम 3 सर्विसेज इस गाड़ी की हो चुकी हैं। सो फ्रॉम MG साइड आई फील इट्स वेरी गुड, बिकॉज सुबह के टाइम पे या तो मैं या फिर एक माय ड्राइवर वुड गो एंड ड्रॉप द कार, एंड बाय इवनिंग दे वुड हैव डन द फुल सर्विसिंग एंड एवरीथिंग एंड गिवन द कार बैक। सो आई थिंक दैट इज़ वेरी क्विक, दैट इज़ क्वाइट गुड। एंड उसके साथ साथ अगर कोई दिक्कत होती है तो वो खुद एक व्हाट्सएप ग्रुप स्टार्ट कर लेते हैं आपकी गाड़ी के नंबर का, एंड उसमें आप एड्रेस कर सकते हो सारी चीज़ें जो आपको दिक्कतें होती हैं, एंड ज़्यादा से ज़्यादा वो सारी दिक्कतें सॉल्व करके देते हैं, बारिंग दैट इंफोटेनमेंट वाला जो प्रॉब्लम मैंने आपको बताई। आई ऑनेस्टली फील अगर आप स्पेंड करना चाहते हो इतना पैसा टू ड्राइव अ वेरी बिग SUV, देन बाय ऑल मीन्स गो फॉर इट, इट्स वेरी गुड value for money at this price bracket। And agar aap you know proper utility ki taraf se agar aap soch rahe ho, then this SUV is absolutely perfect agar aapki ek large family hai, aur agar aap ya to fir aap bilkul ek adventurer ki tarah ho, aap bahut jagah jate ho, you know bahut aapke trips lagte hai within cities and so on, then I feel because jo thoda maine highway pe chala rakhi hai wali gaadi, तो इट्स अमेजिंग। एक तो रोड प्रेजेंस इसकी इतनी अच्छी है, और उसके साथ साथ यू नो इट्स कंफर्टेबल, इतना एरी विंडस्क्रीन है पूरा सामने से यू नो, एंड बिग विंडोज, बिग एवरीथिंग, एंड यू फील वेरी कंफर्टेबल एंड यू फील वेरी सेफ एज वेल। एंड हैविंग सेड दैट, NCAP की जो रेटिंग है उसमें भी इसको 5 स्टार्स मिल चुके हैं, सो सेफ्टी वाइज इट इज़ वेरी वेरी गुड।
एंड भाई हर जगह हर एक गाड़ी को लेकर के कुछ ना कुछ कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, दिक्कतें हो जाते हैं। मुझे पता है बहुत सारे फोरम्स होते हैं, उन पे लोगों ने बोल रखा है कि इसका तो ये ट्रांसमिशन फेल हो गया था, एक किसी उसमें अटक गई थी स्नो के टाइम पे और समथिंग, बहुत सी ऐसी चीज़ें, एक किसी एटीएम वैन के साथ क्रैश होकर के ऐसे कुछ कुछ हुआ था, आई डोंट नो, उनमें नहीं पढ़ूंगा, बट बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो दैट आई नो कैन मेक यू फील कन्फ्यूज्ड कि गाड़ी क्या है। बट मैं जो एक साल चला कर के गाड़ी बता सकता हूँ, एक साल में आई फील वेरी हैप्पी ड्राइविंग दिस कार, इट्स जेन्युइनली अ लॉट ऑफ फन। एक मिनट, मेरा कॉल आ रहा है, सॉरी। सो एज आई वाज सेइंग दैट आई एक्चुअली लाइक दिस कार फॉर लॉन्ग ड्राइव्स एज वेल। हालांकि मेरी इतनी लंबी ड्राइव नहीं हुई थी, मैं बस एक बार गया था फ्रॉम गुड़गांव टू ITC ग्रैंड भारत, सो ज़्यादा लंबी ड्राइव नहीं थी, बट थोड़ा सा मैंने रफ पैचेस पे भी देखा, रफ टेरेन पे भी देखा, नॉर्मल हाईवे पे भी देखा, इट्स स्मूथ, कंफर्टेबल, आप कोई सस्पेंशन में ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। सम पीपल डू फाइंड इट वेरी हार्ड, माई मॉम, मेरी मम्मी को ऐसी सस्पेंशन चाहिए जो मतलब कि बिल्कुल रेंज रोवर की तरह, यू नो, एयर सस्पेंशन की तरह चल रहा हो, सो उनको वो चीज़ चाहिए जो शायद 2 crore पे अवेलेबल हो। बट हैविंग सेड दैट, फॉर व्हाट दिस कार इज, इट्स वेरी गुड, वेरी कंफर्टेबल एज वेल, एंड आई फील कि जनरली थोड़ा बहुत द वे द सीट्स आर ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड, यू फील वेरी, यू नो, कंफर्टेबल एंड ककूंड ऑन योर सीट एज वेल, तो दैट वेज डिज़ाइन अर्गोनॉमिक्स जो होते हैं गाड़ी के, दोज आर क्वाइट गुड। इट इज़ फेयरली केपेबल, आई मीन ऑब्वियसली मैं ये नहीं कहूँगा कि आप किसी रेड हिमालया कर रहे हो वट एवर, उसके लिए तो गाड़ियाँ डिफरेंट तरीके से इंजीनियर होती हैं। एंड यही एक और पॉइंट है कि कई लोग समझते नहीं है कि अगर आप, यू नो, स्नो टेरेन में जा रहे हो या फिर बहुत ही मडी टेरेन में जा रहे हो, तो आपकी गाड़ी के जो टायर हैं वो उस हिसाब से चेंज होने होते हैं। इस पे जो अभी जो लगे हुए हैं, दोज आर टिपिकली मेंट फॉर, यू नो, सिटी एंड रोड ड्राइविंग, सो दे आर नॉट मेंट फॉर कम्प्लीटली ऑफ रोड ड्राइविंग, तो उसमें भी बहुत फ़र्क पड़ता है। निरा बस मोल्ड होने से या फिर कैपेबिलिटी ऑफ अ 4x4 होने से नहीं होता, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, और इसी वजह से आई फील कि बहुत लोग जो हैं कई जगह पे शायद फंस जाएँ, फिर वो अगर बहुत ही, अगर आप बर्फीली जगह पे जाकर के अगर आपको कोई ट्रैक्शन नहीं मिल रही है, तो ऑब्वियसली आप कहोगे कि ये तो गाड़ी बेकार है, बट आई, बिकॉज आई हैव अ लिटिल नॉलेज ऑन दिस फ्रंट, आई वुड डेफिनेटली से दैट इट्स क्वाइट अ केपेबल ऑफ रोडर, एंड इसकी जो राइड हाइट है दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स, बिकॉज दैट राइड हाइट एक्चुअली मेक मीन्स दैट कि आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा गड्ढा आ रहा है, कौन सा स्पीड ब्रेकर आ रहा है, आप कभी भी उसके ऊपर आराम से ऐसे कैमरे को पूरा हिलाते हुए चल निकल सकते हो। एंड गाइस, दिस वाज माय 1 year ओनरशिप रिव्यू ऑफ माय MG ग्लॉस्टर। ऑब्वियसली कोई पेड प्रमोशन तो है नहीं इस चीज़ में, बट आई जनरली फेल्ट कि ये एक ऐसी गाड़ी है जो जब से मैंने ब्लॉगिंग शुरू कर दी तब से मेरे साथ है, तो और जब अगर आप लोग भी अगर मेरे साथ जुड़े हुए हो शुरू से, देन यू बीन पार्ट ऑफ द 1 year जर्नी एज वेल, तो दैट्स वाई आई थॉट कि थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसके बारे में बताने के लिए, क्योंकि ये ऐसी गाड़ी है जो बहुत लोगों के पास अभी आई थी, क्योंकि लास्ट ईयर ही लॉन्च हुई थी, एंड आई जनरली फील कि 1 year ओनरशिप रिव्यू विल हेल्प अ लॉट ऑफ यू गाइज आउट, जो अगर आप चाहे मेरे ब्लॉग चैनल से भी ना जुड़े हो, बट इन केस यू आर इंटरेस्टेड इन दिस, तो अगर आपको हेल्पफुल लगा देन डेफिनेटली डू हिट द लाइक बटन, ड्रॉप अ कॉमेंट इफ यू हैव एनी फर्दर क्वेश्चन, आई विल बी हैप्पी टू एड्रेस दैम एज वेल। एंड ऑब्वियसली ये ज़रा स्पेसिफिक फीचर रिच चीज़ नहीं थी, ये बस कुछ चीज़ें जो प्रो एंड कॉन थे इस वाली गाड़ी के, वो मैंने आपको ऑनेस्टली बताए हैं। सो आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस, एंड इफ यू डिड देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब कर लो यार, इतने सारे लोग जो मेरे को देख रहे हो सब्सक्राइब ही नहीं करते हो, कैसे हो यार, आई फील हर्ट, आई फील वेरी हर्ट, बट हैविंग सेड दैट गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, स्टे सेक्सी।